बिहार राज्य की राजधानी पटना से 88 किलोमीटर और बिहार के प्रमुख तीर्थ स्थान राजगीर से 13 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा गांव के पास प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। आज से लगभग 2500 साल पहले एशिया में 3 विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा। पाकिस्तान बनने पर तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में चला गया। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर खुदाई करने पर बिहार में मिले। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले में है और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले में पाया गया। इसी के नाम पर नालंदा जिले का नाम है। आज के समय यह खंडहर काफी प्रसिद्ध है। देश विदेश के कोने कोने से पर्यटक और इतिहास में रुचि रखने वाले सैलानी यहाँ आते रहते हैं। कुल मिलाकर आज के समय यह बिहार राज्य का प्रमुख आकर्षण है। प्राचीन काल में नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय था और एशिया में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। 5वीं शताब्दी के आरंभ से 700 वर्ष तक यहां बौद्ध धर्म, दर्शन और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत और श्रीलंका आदि देशों से विद्यार्थी यहां आकर कई वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते रहते थे और कठोर जीवन बिताते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हावांग यांग ने भी यहां आकर 5 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की थी। इस विद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे। संस्कृत के अनुसार नालम तदाति इति नालंदा का अर्थ कमल का फूल है। कमल के फूल के डंठल को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दा का अर्थ देना है। जहां ज्ञान देने का अंत ना हो उसे नालंदा कहा गया है। नालंदा का इतिहास बहुत प्राचीन है। ईसा से 5वीं और 6ठी शताब्दी पूर्व में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के युग तक यहाँ का इतिहास फैला हुआ है। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा राजगीर के उत्तर पश्चिम में एक उपनगर था और महावीर स्वामी ने नालंदा और इसके निकट राजगीर में 14 साल गुजारे थे। सम्राट अशोक ने नालंदा में इस स्थान पर मंदिर बनवाया, इसलिए सम्राट अशोक को नालंदा विहार का संस्थापक माना जाता है। नालंदा की खुदाई में समुद्रगुप्त के समय का एक ताम्रपत्र और कुमारगुप्त का एक सिक्का मिला है, इसलिए नालंदा विहार कुमारगुप्त आदि गुप्त सम्राटों के बनवाए हुए माने जाते हैं। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत धन दिया था। उसने लगभग 100 गांव की मालगुजारी इस विश्वविद्यालय के नाम छोड़ दी थी। उन गांवों से विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार चावल, घी और दूध आदि देने लगा, इसलिए विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पूरी खुराक इन गांवों से मुफ्त मिलने लगी और उनको कहीं भी भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ता था। कुछ मतों के अनुसार सम्राट अशोक ने 1200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दे दिए थे। इनसे जो आमदनी हो उससे विश्वविद्यालय का खर्चा चलाया जाए। विद्यालय में विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती थी और उनको खाना पीना भी मुफ्त दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाई? नालंदा महाविद्यालय खंडहर कैसे बना? 5वीं शताब्दी में ब्राह्मण दार्शनिक कुमारिल और शंकराचार्य के प्रयत्नों से और उपदेशों से बौद्ध धर्म को बहुत धक्का लगा। उन्होंने सारे भारत में घूम घूम कर तर्क द्वारा बौद्धों को हराया और उनसे अपना मत मनवाया, इसलिए प्राचीन बौद्ध केंद्र वीरान हो गया। बिहार और बंगाल में सरकारी संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म जीवित था, परंतु अन्य राज्यों में उसका प्रभाव घट रहा था। आखिरी चोट जो बौद्ध धर्म पर पड़ी वह सन 1205 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी का नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण था। उसने इसे कोई किला समझा और नष्ट कर दिया। मोहम्मद खिलजी के आक्रमण के बाद मुदित मुद्रा नाम के एक व्यक्ति ने इसका पुनः निर्माण कराया और शीघ्र ही मगध के राजा के मंत्री कुकटा सिंह ने यहाँ मंदिर बनवाया। इसके बाद धर्म उपदेश के समय 2 क्रोधित ब्राह्मण तीर्थ करने यहाँ आए। कुछ नटखट भिक्षुओं ने उनके ऊपर हाथ पैर धोने का पानी फेंक दिया। उन ब्राह्मण ने 12 वर्ष तक सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और तपस्या के बाद यज्ञ किया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि को सुलगाते हुए अंगारे नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध मंदिर आदि में फेंक दिए, जिसकी प्रचंड आग से विश्वविद्यालय में आग लग गई और विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। उसके बाद यहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ और धीरे धीरे समय के साथ इस स्थान का अस्तित्व भी मिट गया। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों का कब और कैसे पता चला? सन 1812 में बकानम हिल्टन को बड़ा गांव जहां नालंदा खंडहर है वहां से कुछ ब्राह्मण मूर्तियां और कुछ बौद्ध मूर्तियां मिली थी।
कनिंघम ने इन्हें नालंदा से संबंधित ठहराया। कुछ साल बाद ब्रेडली ने चित्तीय स्थान पर खुदाई करवाई। 20 साल तक पुरातत्व विभाग ने भी वहां खुदाई कराई, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का पता चला।